गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिकली प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में, है ना, और उसका अल्टरनेटिव क्या है, बायो प्लास्टिक जिसे हम बोलते हैं, जो कि डिग्रेडेबल है। सो आपको पता प्लास्टिक की वजह से क्या होता है, बेसिकली काफ़ी सारे एक्वेटिक एनिमल्स जो है हार्मफुल होते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या है, ये डिराइव किसे होता है, पेट्रोकेमिकल से बनता है जो आजकल, और सस्ता होता है बेसिकली, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना होता है। सो ये हार्मफुल होता है काफ़ी एक्वेटिक एनिमल्स के लिए और हमारे लिए भी। सो क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होता पहली बात, तो हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करता है ओशंस में जाके या ह्यूमंस में, है ना, ठीक है। सो बेसिकली और काफ़ी सालों तक भी डिकम्पोज नहीं होता, अंडर वाटर पड़ा रहता है और पॉइजनस केमिकल्स को रिलीज़ करता है। सो बेसिक जो डिफरेंस है इन दोनों में क्या है, क्योंकि मोर सस्टेनेबल होता है बायो प्लास्टिक, नॉन टॉक्सिक नेचर का होता है, लेस यूज़ ऑफ एनर्जी, इको फ्रेंडली नेचर का होता है। सो ये पॉइंट्स आप लोग एक चार्ट पेपर पे भी डिफरेंशिएशन में लिख सकते हो कि हाँ ऐसा ऐसा है, क्योंकि वहाँ पे आपको बायो प्लास्टिक की पूरी चीज़ बतानी है और हम सिंपल प्लास्टिक क्यों नहीं यूज़ करते। सो चार्ट रिप्रेजेंटेशन भी मस्ट होती है उसके साथ। सो ये चीज़ है। सो जैसे प्लास्टिक इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग, है ना, इस तरह की चीज़ें। सो एप्लीकेशन क्या है बेसिकली बायो प्लास्टिक की, एप्लीकेशन आर कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शॉपिंग बैग्स में यूज़ कर सकते हैं, है ना, आईडी कार्ड या काफ़ी मोल्डिंग्स में, है ना, काफ़ी मोल्ड करके हम क्रोकरीज बना सकते हैं सिंपली, है ना, जो भी उससे बन सकते हैं, डिस्पोजेबल्स क्रोकरी भी बना सकते हैं, काफ़ी टाइम तक लॉन्ग यूजेबल को क्रोकरी भी बना सकते हैं, है ना, कार में भी यूज़ होता है ना काफ़ी जगह, मतलब हैंड बैग्स भी बना सकते हैं बायो प्लास्टिक को यूज़ करके, या हम सिंपली टाइल्स भी बना सकते हैं, प्लास्टिक टाइल्स भी बनती है आजकल। सो काफ़ी सारे यूजेस है, काफ़ी लार्ज स्केल पे यूजेज है, ऐसी बात नहीं है कि कम यूजेज है। सो काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, है ना, पोर्ट्स बनते हैं, पैक फॉइल्स फॉर हैमबर्गर्स एंड स्टोव्स, ये सब की चीज़ें है ना, तो ये सब मोस्टली बायोडिग्रेडेबल से बनता है। और ये मेन इंग्रीडिएट क्या है इनका, है ना, मेन जो इसमें यूज़ होता है वो हमारे पास है सिंपली, सबसे पहले हमने लेना तो स्टार्च, स्टार्च ले लो, जेलेटिन ले लो। स्टार्च जो है बेसिकली क्या है, ग्लूकोज का होम है, पोटैटो स्टार्च से आप लोग बना सकते हो इजीली, है ना, सिंपली इसका प्रोसेस है, मैं उसकी वीडियो भी शेयर कर दे दूँगा आपको उसके लिए, ठीक है। सो एक लंबा प्रोसेस है इसके लिए कि हाँ इस टाइप का मॉडल आप लोग क्रिएट कर सकते हो, है ना, जहाँ पर हर चीज़ शो हो रखी होगी। एक मेथड है कि जैसे पोटैटो स्टार्च हम लोग यूज़ करते हैं, पोटैटो स्टार्च को सिंपली क्या करेंगे, उसमें जेलेटिन डालेंगे, थोड़ा सा ऐड ऑन करेंगे, सॉरी जेलेटिन नहीं, ग्लिसरीन डालेंगे, ऐड ऑन करेंगे ग्लिसरीन, ताकि वो प्लास्टिसिटी मेंटेन करे, है ना, जो है ना, जितना ग्लिसरीन डालोगे उससे क्या होगा, स्मूथ, जितना ज़्यादा उसको जो प्लास्टिसिटी आएगी उसके अंदर, और जितना खींच सकोगे, मतलब रबड़ फॉर्म उसके अंदर लेके आएगा ग्लिसरीन, उसके बाद थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे और उसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद सिंपली उसको कूल डाउन होने रखेंगे एक लेयर में, और उसके बाद जो आफ्टर सम टाइम सूखने के बाद जो हमें लेयर मिलेगी वो सिंपली बायो प्लास्टिक की फॉर्म हो सकती है, ठीक है। सो इस तरह से हम बायो प्लास्टिक को यूज़ करते हैं। सो आप एक दो सैंपल बना सकते हो स्टार्च, पोटैटो स्टार्च बनाने के लिए इजी मेथड है, पोटैटो को सिंपली क्रश डाउन करो, उसमें पानी डालो, पानी डाल के उसको अच्छी से दबाओ, और जब वो पानी निकलेगा उसमें से, है ना, नीचे उसको फिल्टर आउट कर लो, और पानी में जो थोड़ी देर के बाद सेपरेट आउट हो जाएगा नीचे जो बचेगा वाइट वाइट कलर का, उसको हम स्टार्च बोलते हैं। इस तरह से पोटैटो स्टार्च घर में बना सकते हो, नहीं तो किसी मार्केट में मिल जाएगा आपको इजीली, उसको उसकी कोई दिक्कत नहीं है, जेलेटिन भी मिल जाता है ना ग्रोसरी स्टोर पे किसी भी। सो कोई भी यूज़ कर सकते हो, आपकी आपकी चॉइस है, उसके अकॉर्डिंग फिर पोटैटो स्टार्च बना भी सकते हो, उसके बाद फिर फर्दर प्रोसेस उसको यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।